फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने फोन पे अकाउंट को कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का टेक्नोलॉजी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहता है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फोन पे को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा फोन पे जो है एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक लॉक लगाया, तो इसको लॉक को मैं खोल लेता हूँ पहले। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ के एक साइड में एक क्वेश्चन मार्क का एक चिन्ह आ रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इस पर टैप कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग के पास एक सर्च लेना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से जो है आप लोग के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक नीचे के साइड में आ जाएगा एक KYC का ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो KYC का ऑप्शन है, मेरा KYC, तो आपको इसी पे टैप कर देना है। चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग टैप कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग के सामने जो है इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ से लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पर तीर वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोग लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हो। तो आप इंग्लिश हिंदी यहाँ से कर सकते हो। चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं हिंदी रख रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है मेरे फोन पे के खाते का जानकारी KYC के। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग के सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप सभी के सामने तीन जो है ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले फर्स्ट में है मेरे फोन पे खाते की जानकारी बदलना या हटाना है। तो ये उसके बाद में आ जाता है मेरे फोन पे अकाउंट को डिलीट करना है। उसके बाद आ जाता है मेरे खाते को ब्लॉक अनब्लॉक करें। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो ब्लॉक करना तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे को खाते को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है आप लोग के सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हो फ्रेंड। चलिए यहाँ से मैं इसको लाइक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग के सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तीन ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है अगर आप फोन पे खाता हटाना चाहते हो तो कृपया जानकारी नीचे दिए गए कारणों में से एक का चयन करें। यहाँ पे करा है कोई भी एक चयन करने के लिए। अगर आप चाहते हो मुझे फोन पे अकाउंट का नंबर जो बदलना है यहाँ से चेंज कर सकते हो, या मेरे पास खाता फोन पे खाता को खाता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर वाले आइकन को सिलेक्शन करना है। चलिए मैं इस पर टाइप कर देता हूँ। जैसे कि टाइप कर दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाए इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे के साइड में चले जाना है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से जो है आप लोग के सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फोन पे खाते को डीएक्टिवेट करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर आपको टैप कर देना है। चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड टैप करोगे तो कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है राजू कुमार कृपया ध्यान दें कि आप डीएक्टिवेट के बाद इस नंबर के लिए आप फोन पे खाता फिर से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यह बता रहा है कि अगर आप खाता को डिलीट कर देते हो फोन पे अकाउंट को, तो फिर से आप फोन पे अकाउंट इस नंबर से नहीं बना सकते हो। और नीचे में लिखा हुआ है क्या आप अभी भी अपने फोन पे खाते को डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है मैं यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो सबसे लिखा हुआ है हाँ मैं फोन पे खाता को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फ्रेंड अगर डिलीट करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना है। तो फ्रेंड नीचे भी लिखा हुआ है हाँ मैं फोन पे खाते को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फ्रेंड तो आपको नीचे वाले सिलेक्शन को कर लेना है क्योंकि मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ नहीं मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट करना नहीं चाहता हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्शन करेंगे, अगर आपको फोन पे अकाउंट को डिलीट करना है तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेंगे फ्रेंड।
तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि मैं फ्रेंड यहाँ पे मेरा अकाउंट न्यू है तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको डिलीट करना है तो फ्रेंड यहाँ पे नीचे की साइड में इस वाले आइकन को सिलेक्शन करके आप डिलीट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ कि वीडियो का कोई भी अगर पार्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोन पे से रिलेटेड हम हर एक प्रकार की जानकारी लेके आते रहते हैं। तो फिर मिलता हूँ कोई फोन पे के एक अगले सेटिंग के बारे में लेकर, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का टेक्नोलॉजी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। फिर मिलता हूँ कोई अगले वीडियो अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।